पाली के तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 4 नंबर वार्ड के उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया को लेकर शाम 5 बजे तक मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। हालांकि इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मामूली बहस भी देखी गई, जिसे विधायक ने रिटर्निंग अधिकारी से बात कर मामले को शांत करवाया। उपचुनाव के परिणाम 6 अगस्त को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे। अभी वोटिंग जा रही है और बार बार अंदर से पोलिंग बूथ एजेंटों की मुझे शिकायत मिल रही है। पोलिंग कर्मचारी खुद वोटर को साइड में करके, जो बुढ़े वोटर जिनको मालूम नहीं पड़ता उनको साइड में करके पोलिंग पार्टियां खुद बटन दबा रही है, वो भी कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में, जिसका मुझे आके शिकायत कर रहे हैं। मैं अंदर जाके अगर ऑब्जेक्शन लगाता हूँ तो बाहर से पुलिस वाले भी दबाव बना के मुझे बाहर निकालते हैं। आज तखतगढ़ नगर पालिका के वार्ड संख्या 4 के उपचुनाव में शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए। दोनों कैंडिडेट्स के एजेंट्स अंदर मौजूद थे। किसी तरह से दोनों एजेंट्स द्वारा किसी तरह की ऐसी कोई तथ्य नहीं बताया गया जिससे कि कोई चुनाव में व्यवधान, चुनाव इस तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। के लोगों की और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का भी मेरे पास फोन आया कि अंदर फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, तो मैंने तुरंत SDO को फ़ोन करके कहा कि आप जाकर के इसकी जांच करो। SDO उन्होंने जाकर के वो मौके से जो भी जांच करके उसकी रोकथाम की, लेकिन फर्जी इस तरह से हो रहा था कि हमारे आदमी कोई बूढ़े आदमी को ले जा कर के मतदान करा रहे थे, तो उन्होंने सरकारी जो अंदर एजेंट बैठे हैं वो उन्होंने खुद जा कर के उन लोगों को अंगूठा पकड़ा करके दूसरी जगह मतदान कराया, जहाँ वो चाहते थे वहाँ नहीं करवा कर दूसरी जगह करवाया।